नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेवारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। केंद्र सरकार ने चालू खरीफ मौसम के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 65 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। मूंग, अरहर, उड़द और रागी के भी MSP में की गयी वृद्धि। विधानसभा में राजद सदस्यों ने राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर किया हंगामा। और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा, बिहार को संदिग्ध दिमागी बुखार AES से निपटने के लिए दी जा रही है हर संभव मदद। राहुल गांधी ने आज आधिकारिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है। अपने ट्विटर हैंडल पर त्यागपत्र डालते हुए श्री गांधी ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में पार्टी की सेवा करना उनके लिए गर्व की बात थी। उन्होंने कहा कि वे लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार हैं। श्री गांधी ने कहा कि भविष्य में कांग्रेस की मजबूती के लिए जवाबदेही अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए वे पार्टी अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। श्री गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई कभी भी राजनीतिक शक्ति के लिए नहीं रही है और भाजपा के खिलाफ उनके मन में कोई नफरत नहीं है। इससे पहले संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि उनके उत्तराधिकारी के बारे में फैसला करने के लिए पार्टी की कार्यकारिणी समिति की शीघ्र बैठक होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 2019-20 के खरीफ मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 65 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गयी है। सामान्य धान ये 18-19 में 1750 रूपये क्विंटल था, लेकिन 19-20 में जो समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है यह 1815 रूपया प्रति क्विंटल है, 3.7% की वृद्धि है। धान ग्रेड ए, इसका समर्थन मूल्य 1835 रूपया है और इसमें भी 3.7% की वृद्धि है। इसके अलावा ज्वार के मूल्य में 120 रूपये और रागी के मूल्य में 253 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि अरहर के समर्थन मूल्य में 125 रूपये, मूंग के मूल्य में 75 रूपये और उड़द के मूल्य में 100 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्थानीय बाजार मूल्य के बीच कम अंतर होने के कारण इस साल गेहूं की अधिप्राप्ति कम हुई है। विधान परिषद में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने एक ध्यानाकर्षण के जवाब में बताया कि अभी तक राज्य के 31 जिलों के कुल 554 निबंधित किसानों से 3143 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की अधिप्राप्ति की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य के 7 जिलों में गेहूं का क्रय नहीं हो पाया है। विधानसभा में आज भी राजद के सदस्यों ने राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति का मुद्दा उठाते हुए जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही राजद सदस्य हंगामा और नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। वहीं भाकपा माले के सदस्य सरकार पर रोजगार छीनने का आरोप लगाते हुए न्यू पटना मार्केट को हटाने के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। कुछ देर हंगामे के बाद सभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने प्रश्नोत्तर काल चलाया। प्रश्नकाल के बाद राजद के ललित कुमार यादव और अन्य सदस्यों की ओर से दिए गए कार्यस्थगन प्रस्ताव के खारिज होने के विरोध में विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। शोरगुल और सरकार के खिलाफ नारेबाजी के कारण अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही निर्धारित समय से पहले ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। भोजनावकाश के बाद कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने सदन में चालू वित्तीय वर्ष के लिए विभागीय अनुदान मांग पेश किया। इस पर सरकार के जवाब के दौरान विपक्षी सदस्य से सदन से बाहर निकल गए। कृषि मंत्री का भाषण समाप्त होने के बाद सभा अध्यक्ष ने कल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। विधान परिषद में आज भोजनावकाश से पहले की कार्यवाही शांतिपूर्ण चली। प्रश्नकाल शून्यकाल सामान्य रूप से चले।
केंद्र सरकार ने कहा है कि बिहार में संदिग्ध दिमागी बुखार से निपटने के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद दी जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में एईएस से बच्चों की हुई मौत के मामले में दायर हलफनामे में केंद्र की ओर से कहा गया है कि श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 बेड वाले गहन बाल चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाएगी। हरेक जिले में भी 10-10 बेड वाले गहन बाल चिकित्सा इकाई खोले जाएंगे। वहीं पूरे प्रदेश में 5 विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला की भी स्थापना होगी। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 24 जून को एक याचिका की सुनवाई करते हुए एईएस से बच्चों की मौत के मामले में केंद्र और बिहार सरकार से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने बिहार सरकार से राज्य में उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं, पोषण और स्वच्छता की स्थिति पर हलफनामा देने का भी निर्देश दिया था। इस मामले में कल राज्य सरकार की ओर से भी हलफनामा दायर किया गया था। इधर संदिग्ध दिमागी बुखार से मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में 3 और बच्चों की मौत हो गई है। बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 195 हो गई है। एसकेएमसीएच में अभी 21 बच्चों का इलाज चल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को राज्य कैडर के आईएएस अधिकारी जितेंद्र गुप्ता को झूठे आरोप में फंसाने और प्रताड़ित करने के मामले में 5 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विपिन संघी और ज्योति सिंह की खंडपीठ ने आईएएस अधिकारी श्री गुप्ता की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने केंद्र सरकार को श्री गुप्ता का कैडर बदलने का भी निर्देश दिया है। अपनी याचिका में अधिकारी ने कहा था कि बिहार में माफिया के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें जान का खतरा है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि न्यायालय यह नहीं चाहता है कि उनका भी हश्र भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी सत्येंद्र दुबे की तरह हो, जिन्हें अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया था। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की राजद्रोह संबंधी धारा को हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। पटना की महापौर सीता साहू के खिलाफ विपक्ष के पार्षदों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 2 पार्षदों ने मतदान किया, जबकि विरोध में 10 सदस्यों ने मतदान किया। 32 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से मॉनसून का सिस्टम मजबूत हो गया है। बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वा हवा के प्रभाव से राज्य में नमी बढ़ रही है। इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहिया बाग में 2 आपराधिक गुटों के बीच हुई गोलीबारी में कुख्यात सुजीत कुमार सिंह मारा गया है। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि मृतक कई मामलों में वांछित था। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज पुलिस और उत्पाद विभाग ने अभियान चलाकर भारी मात्रा में शराब जब्त की है, साथ ही कई तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन टोला के पास पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 125 कार्टन शराब बरामद की है। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वहीं जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र से 5 शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। खगड़िया जिले के बिलदौर, पश्चिम चंपारण जिले के नगर थाना क्षेत्र और शिवहर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से भारी मात्रा में शराब जब्त की गयी है। अररिया, सारण और सीतामढ़ी जिलों में शराब की अलग अलग खेप के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक बेनी माधव सिंह की ब्रेन हैमरेज होने से मौत हो गई। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के मोहनिया बाजार के पास 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय में राशन कार्ड नहीं मिलने से आक्रोशित महिलाओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेवारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। केंद्र सरकार ने चालू खरीफ मौसम के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 65 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। मूंग, अरहर, उड़द और रागी के भी एमएसपी में की गई वृद्धि। विधानसभा में राजद सदस्यों ने राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर किया हंगामा। और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा, बिहार को संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस से निपटने के लिए दी जा रही है हर संभव मदद।
इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।